होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और एक बड़ा सवाल कि जो लोग सीएसआर एग्जाम को पहली बार देने जा रहे हैं, आखिर वो जो ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है वो कैसे ऑपरेट करता है और उसमें किस तरीके से आपको क्वेश्चन को ऑप्ट करना है, कई सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है। उसी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते हुए मैं एक डैशबोर्ड के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ, ये एक मॉक टेस्ट का डैशबोर्ड है और लगभग आपको कुछ इसी तरीके से जो है वो नजर। इसमें हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं जो है आपका कैंडिडेट नाम यहाँ पे अपीयर हो, आप चेक कर लिए कि आपका जो कैंडिडेट नाम है वो सेम है या नहीं है पहले। और प्रैक्टिस पेपर जो यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर के तौर पे जब आप एग्जाम देंगे तो इसी सा लाइफ साइंस जो है वहाँ शो कर, यहाँ पे आपका सिस्टम नेम होगा और साथ में ये फोटोग्राफ जो है आप ही का फोटो जो है यहाँ पे लेना, मैच कर लेना। ठीक है, मैच करने के बाद आपको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड दिया जाता है जनरली लॉगिन करने के लिए, और सम टाइम्स जो है वो ऑलरेडी सीडेड होता है सिस्टम में ताकि आपको जरूरत ना हो लॉगिन करने के लिए, लेकिन ये कंडीशन जो है वो आपके साथ अपीयर हो सकता है जब सबसे पहला पेज जो आपके लिए ओपन होगा सिस्टम पे वो कुछ ऐसा हो। ठीक है, आप कीबोर्ड की जगह माउस का जो है वो ज्यादा यूज करेंगे ये सारे काम पे। तो आपने सारे क्रॉस चेक कर लिया कि आपका सिस्टम है और इस सिस्टम पे आपको ही बैठना है, तो ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ लॉग इन करेंगे, आप लॉग इन करके क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या कर दिया लॉग इन, लॉग इन करने के बाद आपके पास कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो ओपन होंगे। अब इस पर्टिकुलर केस में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के तौर पर इन्होंने एग्जामिनेशन को बोला है कि ये जो है लगभग आपके 120 मिनट का जो है वो एग्जाम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस पेपर इसलिए ये बोला गया है, एक्चुअल में 180 मिनट। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए कि कौन से कलर पे जो है आपको क्या जो है मान के चलो, याद रखिए अगर आपको जो है वो इस तरीके का कलर सिंबल शो किया जा रहा है इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन जो है अभी तक आपने विजिट ही नहीं। अगर आपको जो है इस तरीके का कलर देखने को मिल रहा है दैट मीन्स कि आपने ऐसे क्वेश्चन को जो है विजिट तो किया है लेकिन इसका आंसर नहीं दिया। यू हैव, अगर इस ग्रीन कलर आपको सिंबल नजर आ रहा है मतलब आपने ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है दे दिया है और इन क्वेश्चंस को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इनको दिखाऊंगा। उस तरीके का कलर अपीयर हो रहा है मतलब ऐसे क्वेश्चंस को आपने आंसर नहीं किया है, सिर्फ रिव्यू के लिए दिया है कि रिव्यू जो है बाद में आप करेंगे कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। और इस तरीके का अगर आपको सिंबल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने ऐसे क्वेश्चन का आंसर किया है लेकिन आप डबल श्योर होने के लिए बाद में रिव्यू के लिए छोड़। इसके अलावा बहुत सारे और इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे दिए गए, इन इंस्ट्रक्शन को आप जो है देख सकते। अगर आपके माइंड में कभी कभी क्या होता है 10 मिनट पहले आप एग्जाम सेंटर में और एग्जामिनेशन रूम में एंट्री कर जाते हैं और आपके माइंड में कोई अलग क्वेरी आती है या उल जुलूल के थॉट्स आते हैं तो कभी कभी उससे बचने के लिए आप इंस्ट्रक्शंस पूरा लाइन बाई लाइन पढ़ लें। ठीक है, तो उससे दिमाग में जो है उल जुलूल के थॉट्स कम है। एंड आफ्टर दैट लास्ट में यहाँ पे आपके पास एक क्लिक करना होगा कि आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है, उसके बाद प्रोसीड कर। जैसे ही आपने प्रोसीड किया आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड नजर आएगा, आप एक बार खुद क्रॉस वेरीफाई फिर से कर लिया कि आपका जो नाम है आपका जो एग्जाम एग्जाम नेम सब्जेक्ट नेम और रिमेनिंग टाइम है ठीक ठाक शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे आपको विजिबल होता होगा नजर। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश और हिंदी वाला जो लैंग्वेज जो है वो सूट है, मतलब यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में चाहेंगे तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहेंगे तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड नहीं। याद रहे कि मैं जो है यहाँ पे कुछ ऐसे शो कर रहा हूँ लेकिन आप ये माउस शो करेंगे कीबोर्ड से, और वही सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दिया गया कि आपने 144 क्वेश्चन अभी भी विजिट नहीं किया, मतलब आप विजिट नहीं किए और एक क्वेश्चन आपने आंसर अभी नहीं किया है और बाकी सारे जो है वो कलर कॉम्बिनेशन शो किए, सारे कंडीशन को आपको शो कर दूँ। मान लो कि ये क्वेश्चन मैंने विजिट तो किया लेकिन मुझे नहीं आ रहा था, मुझे छोड़ना है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा सीधे जो है नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट बटन है आगे चला जा सकता। अगर आपको डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में स्विच करना है तो डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करके जो है कोई भी क्वेश्चन पे, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पता है 1 से लेकर 20 तक जो है वो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है तो मैं डायरेक्टली 21वें नंबर पे जो है स्विच करता हूँ। यहाँ पे 21वें नंबर पे एक जो है बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन जाएंगे। अब मान लो कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपके क्वेश्चन विजिबल है और ऑप्शन जो है स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ से साइड से आपको नीचे ही नजर, तो कई बार आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ सकता है ऑप्शन। अब इस चीज़ का एक बहुत ही हैक है कि अक्सर विंडो ऐसे ही ओपन है, इस विंडो में एक यहाँ पे सिंबल नजर आता है, ये सिंबल अगर आप जो है माउस से क्लिक करेंगे तो आपका ये विंडो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, तो जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना वो बड़े क्वेश्चंस आपको पूरे स्क्रीन में नजर आए, तो ज्यादा स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं क्योंकि
जब भी आप चाहें तो इसको फिर से उसी पोजीशन में ला सकते हैं। तो ये एक कस्टमाइज वे में आपको लगता है कि अगर मुझे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है, मैं थोड़ा सा विड्थ के साथ ओपन करना चाहूँ, तो आप जो है इस ऑप्शन का सहारा ले सकते। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको आता था और आप जब श्योर थे कि इसका आंसर जो है वो डी ही होगा, तो आपने नीचे गए और फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इसका मतलब है कि आपने उस आंसर को जो है सेव किया है और वो इवेल्यूएशन के लिए काउंट होगा, और उसके लिए आपको फिर से रिव्यू की जरूरत भी नहीं है। तो आपने सेव एंड नेक्स्ट किया। देखो 21वां नंबर का क्वेश्चन जो है वो ग्रीन कलर के बॉक्स में आ, ठीक है, जो क्वेश्चन आप ऑफ नहीं करेंगे वो रेड कलर में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने ऑफ नहीं किया था वो रेड में, और 21वां ऑफ किया था वो आपको ग्रीन। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में आपको लगा कि यार मुझे जो है फोर्थ की जगह जो है टू कट, तो आप डायरेक्टली फोर्थ की जगह जो है टू ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। या तो अगर आपको सारे ऑप्शंस को क्लियर करने हैं तो आप क्लियर कर लो और फिर कुछ इस तरीके से। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई आंसर जो है वो आ रहा है लेकिन फिर भी जो है मैं चाहता हूँ कि मैं उसको सेव एंड मार्क और रिव्यू पर कंडीशन कर दूँ, तो मैंने क्या किया कि सेव कर एंड मार्क रिव्यू, मतलब मैं अभी कर तो ले रहा हूँ लेकिन डबल श्योर होने के लिए मैं दोबारा उसको चेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या क्लिक करूंगा, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। याद रहे कि इसमें दो ही ऑप्शन जो है इवेल्यूएशन के लिए काउंट होंगे, जब आप या तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे या तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करें। ये वही दो क्वेश्चंस होंगे जो इवेल्यूएशन के लिए जाएंगे, बाकी आपके मार्क फॉर रिव्यू वाला भी इवेल्यूएशन के लिए जाता और क्लियर वाला और नेक्स्ट वाला भी नहीं जाता, ये सब कुछ नहीं जाएगा। आपको हमेशा अगर कोई क्वेश्चन सेव करना है तो बेसिक तौर पे सेव एंड नेक्स्ट करें, अगर आपको उसको दोबारा चेक नहीं करना, और अगर दोबारा एक रिव्यू करना है चेक करना है डबल श्योर होने के लिए तो सेव एंड मार्क भी करें। तो मैंने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो देखो इसमें ऑप्शन सेलेक्ट किया और मैंने मान लो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे है, ठीक है, तो चूज एन ऑप्शन ऑप्शन आता, तो मैंने क्या किया सेव। देखो तो यहाँ पे जो इस तरीके का कलर आता, तो ये जो यहाँ पे सिंबल दिया था इसमें से दो ही जो है वो इवेल्यूएशन के लिए होंगे, एक तो वो जो आंसर्ड होंगे और एक जो वो आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू होंगे, ठीक है। तो आप जब भी करें तो सेव एंड नेक्स्ट करें अगर आप श्योर हैं, और अगर आप बाद में उसको कभी रिव्यू करना चाहते हैं तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू के साथ आगे जो है बढ़ सकते हैं, राइट। अब इसके अलावा जो है यहाँ पे एक सबमिट का बटन जो है रहता है, जब तक पेपर प्रिंट ना हो सबमिट पे क्लिक ना कर। कई बार अगर गलती से क्लिक हो गया किसी दफा तो आपके पास ऑप्शन है बैक आने, ये नहीं एकदम पैनिक हो जाना, डर जाना, अरे क्या हो। मान लो कि सबमिट पे क्लिक किया तो अभी भी इस तरीके का आपके पास एक डैशबोर्ड अपने, इसमें बताया गया कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, आपने कितने आंसर किए, कितने देखे, कितने नहीं देखे। तो उसके बाद पूछेगा कि आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल, मतलब जो है सबमिट करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक एस और एक नो बॉक्स, और आप अगर गलती से गए हैं तो नो करेंगे, और अगर जानबूझ के गए हैं तो उससे नो करके वापस उसी डैशबोर्ड पे। जैसे एक क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में साइटोसिन 20% दिया, ए और डी टुगेदर पूछा है, तो यहाँ से जो है 60% होगा, तो मैं श्योर हूँ, तो मैं जो है इससे ले नेक्स्ट। तो मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन जो बोला जा रहा है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, सेकेंड ऑप्शन मैं जो है सेवन नेक्स्ट। एन प्लस के प्लस एटीपेजेस में अगर कोई म्यूटेशन होगा तो पहले पे इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों म्यूटेट होगा, मैं थर्ड चूज करूंगा, सेवन नेक्स्ट करूंगा। अगर मुझे साइटोकाइनेसिस की पोजीशन की बात की जा रही है तो वहां पे सेंट्रल स्पिंडल से होता है, मैं उसको सेलेक्ट करके सेवन नेक्स्ट कर दूंगा। जो ग्रीन नजर आएंगे, जो जो सेव एंड मार्क होंगे वो ऐसे नजर आएंगे, जो विजिटेड नहीं होंगे वो आपको ऐसे नजर आएंगे, और जो आपके विजिटेड हैं फिर भी आपने आंसर नहीं किया वो आपको रेड। तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड होता है और इसी तरीके का आपका सीएसआर एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। और ये है का बार बार यूज कर लेना, क्योंकि आपको ये जो नंबर वाला लिस्ट है ये बार बार नहीं चाहिए, ठीक है, आपने एक बार पढ़ लिया है जान लिया है तो बार बार नहीं चाहिए, तो इसको क्या करो मिनिमाइज करो, तो क्वेश्चन का जो देखो ना एरिया बढ़ जाए, इससे आपके जो क्वेश्चन जो है स्क्रॉल डाउन वाला जो टाइम जाता है वो थोड़ा कम जाए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, दोस्तों तक शेयर करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।